नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एलर्जी कितनी तरह की होती है, इसके बारे में आप पूरा इस वीडियो में देखें। आप सबसे पहले मैं आपको बता दें कि एलर्जी कहते किसे हैं। जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को ना पसंद करती है तो उसे एलर्जी कहा जाता है। इन्वायरमेंट में मौजूद चीज़ों से सेंसिटिव इंसान को कभी भी एलर्जी हो सकती है। अगर आपके पारिवारिक कारण या पुरानी पीढ़ी की वजह से एलर्जी होने की बीमारी है तो एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ों के संपर्क में आने से आपको एलर्जी हो जाएगी, जैसे कि परागकण, डस्ट, फंगस, मेडिसिन, धूल आदि कई तरह के हैं चीज़ों के संपर्क में आने से आपको एलर्जी हो जाएगी। सांस की बीमारी में ज़्यादातर एलर्जन सांस के जरिए शरीर में दाखिल होते हैं। कई मरीजों में एलर्जन होने का पता चल जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इनका पता नहीं लग पाता है। एलर्जी होने के लक्षण मैं आपको बता दें, एलर्जन का असर सभी मरीजों पर अलग अलग होता है। बॉडी के कुछ पार्ट पर एलर्जी का ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे कि नाक, आँख, चमड़ी, सांस नली आदि में। आँख में खुजली होना, आँखों का लाल होना, नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, स्किन पर चकत्ते पड़ना, स्किन का लाल होना, सभी एलर्जी के खास लक्षण होते हैं। एलर्जी कितनी प्रकार की होती है वो बता दें हम। जैसे पेट की एलर्जी, कुछ ऐसे फूड खा लेने के बाद एलर्जी हो जाती है, जिसमें पेट में दर्द, डकार आना, उल्टी आना और लूज मोशन जैसे सिस्टम पाए जाते हैं। जुकाम हो गया, इसमें नाक लाल हो जाती है, बार बार छींक आती है और नाक से पानी गिरता है। सांस की एलर्जी, इस तरह की एलर्जी में मरीजों के खांसने, सांस लेने पर सीटी जैसी आवाज़ और सांस लेने में तकलीफ होती है। एक्जिमा हो गया, स्किन पर एलर्जी का असर होने से बार बार खुजली होती है। खुजली होने वाली जगह पर बार बार खुजली करने से वहाँ की चमड़ी लाल पड़ जाती है, सारे शरीर में दाने दिखाई देने लगते हैं, या सारे सिस्टम हाथ पैर गर्दन कहीं भी हो सकते हैं। एलर्जन के संपर्क में आने के बाद किसी को भी एलर्जी के लक्षण तुरंत महसूस होने लगते हैं और किसी को बाद में होते हैं। पेड़ पौधे से एलर्जी, यह रोग पेड़ पौधों के परागकण और फफूंद की वजह से होता है। इस बीमारी में छींक आना, खुजली होना, आँखों से पानी आना, नाक का बहना, गले में जलन और अस्थमा हो जाता है, जिससे मरीज की परेशानी बढ़ जाती है। इसमें बुखार नहीं आता है, सबसे बड़ी बात यह। खुजली हो गया, स्किन पर एलर्जी का दूसरा रूप है, जिसमें दाने और खुजली पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले चमड़ी में सूजन होकर दाने पैदा हो जाते हैं और खुजली होती रहती है, या मुंह, होंठ, आँख, जुबान, कान और पूरे शरीर में हो सकता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। अपना सवाल या सुझाव हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्दी इसका जवाब देंगे। नए हैं तो हमारे चैनल घरेलू उपाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें।